हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। हम आज एक्सेल में एक सीएसवी फाइल बनाएंगे। सीएसवी फाइल, जी हाँ, एक्सेल में भी सीएसवी फाइल बना पाना पॉसिबल है। कैसे बनाएंगे इसको आइए दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो नॉर्मली डाटा आप एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज दिया और मान लीजिए हमें प्रोडक्ट का एक बनाना है इसमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहां पर अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट, और इसकी प्राइस की बात आएगी, तो ये प्राइस लिख दिया, ठीक है। अब जल्दी जल्दी यहां पे प्रोडक्ट के नेम इंसर्ट करा देता हूं, जैसे यहां पर लिख दिया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर यहां पे हो गया, लैपटॉप यहाँ पे हो गया, डेस्कटॉप। तो ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इनकी कीमत यहाँ पे, इसकी कीमत 300 रुपए है, इसकी कीमत 200 रुपए है, इसकी कीमत 10,000 है, ठीक है, और इसकी कीमत 50,000 है, ठीक है, और यहाँ पर डेस्कटॉप की कीमत है 32,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है। अब इस पे प्राइस लेके आने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये जो जनरल दिख रहा है यहाँ पे जाकर के आप इसे करेंसी बना दीजिएगा, ये प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब जो बॉर्डर लगा लेते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ऑल्ट एच डी ए करेंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा। अब सीएसबी फाइल कैसे बनेगी, तो यहां से जब आप सेव करने जाएंगे ना इसको, ये देखिए, ये गए सेव पर और फिर गए सेव एज पर, ठीक है। और इसको कहाँ सेव करना है, मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे ना, तो इसमें आपको सीएसबी मिलेगा, ठीक है। ये सीएसबी देखिए, ये कॉमा डिलिमिट दिया हुआ है ना, तो ये कॉमा डिलिमिट पे जाकर के इसका नाम मैं बदल देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड नाम दे दिया इसे, और इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ये हो गया डेस्कटॉप पे, सेव कर लिया इसको, ठीक है। अब ये सेव हो गया डेस्कटॉप पर। अब इसको जब आपको एक्सेस करना होगा ना, यहाँ पर जब आपको इसको एक्सेस करना होगा, तो आप देखिए, ये हमारी फाइल है, तो हम पाइथन पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये देखिए, ये पाइथन है हमारा, इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से इसको क्लोज करके ये ओपन करते हैं, यहाँ से ये पाइथन ओपन हो गया, ये देखिए, यहाँ से न्यू फाइल लेंगे हम, ये न्यू फाइल आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करना है, जिसके वजह से हमारा ये प्रोग्राम पाइथन पर फेच हो जाएगा, सारा डेटा पाइथन पर आएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी आप ने डाउनलोड की है कि नहीं ये देख लीजिएगा, मेरे में डाउनलोड है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, इस तरीके से लिखेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद ये देखिए, ये जो है ना, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना हो गया, ठीक है। अब दूसरा काम जो है, यहाँ पर एक डाटा नाम से मैं बना लेता हूँ, डाटा इज इक्वल टू पीडी डॉट, क्या करेंगे, पीडी डॉट, और जो हमको रीड करना है ना, क्या करना है, रीड ही करना है, तो रीड करने के लिए यहाँ लिख देंगे READ रीड और अंडरस्कोर CSV फाइल है, अभी तो बनाया हमने CSV फाइल, तो दिखाई है आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर इसका पाथ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पाथ कैसे मिलेगा हमको, उस फाइल के उस फाइल पे जाएंगे, जैसे ये फाइल है हमारी ना, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिएगा, और राइट क्लिक करके, और यहाँ से क्या करना है आपको, प्रॉपर्टीज पे जाना है। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको पाथ मिल जाएगा, ये आपका पाथ है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आके फिर पाइथन वाले फाइल पे इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, डॉमेटेड कॉमा के अंदर रहेगा, ये ध्यान देना है आपको, अगर डॉमेटेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए, ये सिंगल सिंगल स्लैश करके लगा हुआ है ना, तो ये डबल डबल कर दीजिएगा, लास्ट में खाली नहीं रहेगा, बाकी सब में आप कर सकते हैं, ऐसे सब में ही कर देते हैं, ये कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या करना है, लास्ट में उस फाइल का नाम देना है, ठीक है, यहाँ पर उस फाइल का नाम हमें देना होगा। तो यहाँ पे स्लैश लगा करके उस फाइल का नाम क्या दिया हमने, यहाँ पे देखिए उस फाइल का नाम क्या है, record.csv, तो यहाँ पे हमें record.csv लिखना होगा, RECO, देखिए ये आ भी रहा है यहाँ नीचे, तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिएगा आप, तो ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया। और क्या करेंगे, तो ये तो हो गया, अब ये हो जाने के बाद क्या करना है आपको, ये हो जाने के बाद अब इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, PRINT, प्रिंट लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन और क्लोज इस तरीके से कर लेंगे। इसके बीच में क्या लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिखना है DATA, डाटा, ठीक है। और डाटा लिख करके इसको रन करा दीजिएगा, और रन कराते ही आपकी CSV फाइल आपके सामने होगी। यहाँ पे देखिए, मैं इसे किसी भी नाम से सेव करके .py लगा देता हूँ और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी CSV फाइल आपको नजर भी आएगी, ये देखिए, ये आपकी CSV फाइल आ गई जो बनी हुई थी। तो इस तरीके से CSV फाइल को आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, ये तरीका है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यही कोड आपको लिखना है, ठीक है ना।
आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको लेके आना है, कैसे फेच कराना है, ठीक है, ओके।